नमस्कार, डीएवी कॉलेज चीका में जो ई लर्निंग के माध्यम से कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि जो विद्यार्थियों का बचा हुआ सिलेबस है उसे पूरा किया जा सके और आने वाले परीक्षा परिणाम को और बेहतर बनाया जा सके, इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की तरफ से बीए फाइनल ईयर में जो हम सिलेबस पढ़ाते हैं जो हमारा विषय है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ था वो था संयुक्त राष्ट्र चार्टर में विवादों की बाध्यकारी विधियां। ये हम थर्ड यूनिट कर रहे हैं और इनका हम कर चुके थे और उसके बाद हमने थर्ड यूनिट शुरू की। थर्ड यूनिट में हमने दो चैप्टर पढ़े थे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है उसमें विवादों को यानी कि विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई गई है। जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जो भाग 6 है उसमें आर्टिकल 33 से 39 तक संयुक्त राष्ट्र के शांतिपूर्ण तरीकों का वर्णन किया गया है। शांतिपूर्ण यानी कि अगर किन राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में शांतिपूर्ण तरीकों का वर्णन किया गया है जिसमें वार्ता, मध्यस्थता, संप्रेषण इत्यादि बातों का हमने अध्ययन किया। लेकिन इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्याय 7 में चैप्टर 7 में आर्टिकल 39 से 51 तक बाध्यकारी तरीकों का वर्णन किया गया है कि अगर कोई भी समस्या है, कोई भी आक्रामक राष्ट्र अगर शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान नहीं निकलता तो बाध्यकारी तरीकों के द्वारा उस समस्या का समाधान निकालने का संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रयत्न किया जाएगा ताकि विश्व शांति और सुरक्षा को बनाया रखा जा सके। क्योंकि जब भी विश्व में कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है और उस समस्या के समाधान की जो परीक्षा की घड़ी आती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए वो सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है। इसी मुहिम में हमने संयुक्त राष्ट्र चार्टर में विवादों की बाध्यकारी विधियां कौन कौन सी हैं उनका वर्णन करना। इस चार्ट के माध्यम से हम संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बाध्यकारी विधियां हैं उनको समझाने का प्रयत्न करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ अगर शांतिपूर्ण तरीकों से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता तो इन बाध्यकारी विधियों के द्वारा उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। इसमें सबसे पहले हमने नंबर एक पॉइंट रखा है आक्रमणकारी का निर्धारण जिसका वर्णन संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग 7 के अनुच्छेद 39 में किया गया। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले आक्रमणकारी राष्ट्र की पहचान की जाती है। हमने सबसे पहले नंबर एक पॉइंट में लिया है आक्रमणकारी का निर्धारण। संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर का अध्याय 7 है उसके आर्टिकल 39 में कहा गया है कि यह सुरक्षा परिषद निर्धारित करेगी कि आक्रमणकारी राष्ट्र कौन सा है यानी कि आक्रमणकारी राष्ट्र का निर्धारण सुरक्षा परिषद के द्वारा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को किस राष्ट्र से खतरा है और किस प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को आक्रमणकारी राष्ट्र द्वारा भंग किया गया। इसी कड़ी में हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसका शांति स्थापना के अंतरिम उपाय इंटरनल उपाय कि शांति को स्थापित करने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा कौन से अंतरिम उपाय किए जा सकते हैं यानी कि आर्टिकल 40 में शांति स्थापना के अंतरिम उपायों का वर्णन तो किया गया है लेकिन इस बात का वहां पर वर्णन नहीं किया गया है कि अंतरिम उपाय कौन से हैं। उसमें यह कहा गया है कि सुरक्षा परिषद द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि अंतरिम उपाय कौन से हैं। 1948 और 1949 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ कश्मीर समस्या को लेकर सुरक्षा परिषद ने उसमें हस्तक्षेप किया और अंतरिम उपाय के द्वारा उसने वहां पर कहा कि इस युद्ध को यहीं पर रोका जाए। इसके द्वारा शांति के अंतर्गत भी शांति स्थापना के अंतर्गत भी अगर कोई उपाय नहीं निकल कर आता तो तीसरी बात इसमें हमारी आती है आर्थिक दंड व्यवस्था। आर्थिक दंड व्यवस्था के अंतर्गत ये कहा गया है जिसका वर्णन आर्टिकल 41 में किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आक्रमणकारी राष्ट्र नहीं रुक रहा उसे रोकने के लिए सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ उस पर आर्थिक दंड की व्यवस्था कर सकता है यानी कि उसके साथ आर्थिक संबंध कोई भी राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है किसी प्रकार का आर्थिक संबंध नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेगा, वायु संबंध जो स्थल सैनिक संबंध है इस प्रकार के सभी संबंध उसके साथ तोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट हमारा आता है सैनिक दंड व्यवस्था जिसका वर्णन आर्टिकल 42 में किया गया है कि अगर आक्रमणकारी राष्ट्र
कॉन्स्टिट्यूशन के जो चार्टर है आर्टिकल 42 में कहा गया है कि सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के लिए अपनी अपनी सेनाएं भेजेंगे और एक संयुक्त सेना तैयार करके आक्रमणकारी राष्ट्र को सैनिक दंड दिया जा सकता है। इसी के अंतर्गत विशेष सैनिक समझौते की बात कही गई है आर्टिकल 43, 44, आर्टिकल 45 और 46 में। अगर आक्रमणकारी राष्ट्र किसी प्रकार का कोई सैनिक समझौता करना चाहता है तो उसके साथ सैनिक समझौता किया जा सकता है। इसके साथ आर्टिकल नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैनिक स्टाफ समिति। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत एक सैनिक स्टाफ समिति का गठन किया गया है। सैनिक स्टाफ समिति इन सब विषयों को देखती है कि किस प्रकार का आर्थिक दंड लगाना है, किस प्रकार की सैनिक कार्रवाई आक्रमणकारी राष्ट्र पर करनी है। उसके बाद इसी में हमारा अगला जो पॉइंट है सदस्य राज्यों के दायित्व, जिसका वर्णन आर्टिकल 48 और आर्टिकल 49 में किया गया। इसमें कहा गया आर्टिकल 48 और 49 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उन सबका यह दायित्व है कि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अपने सैनिक दें, हथियार वगैरह इत्यादि की जो व्यवस्था है वो सभी राष्ट्रों को देने का उनका दायित्व है। इसी जो हमारे विभागों के बाध्यकारी नीतियां हैं उसमें हमारा सबसे अंतिम पॉइंट है आत्मरक्षा का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 51 में किया है। आर्टिकल 51 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक सुरक्षा परिषद आक्रमणकारी राष्ट्र पर किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाते तो राष्ट्र अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई कदम उठा सकता है। इस प्रकार हमने जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो बाध्यकारी नीतियां हैं वो दी गई है उनका अध्ययन हमने इसमें किया है। इसका जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की बाध्यकारी नीतियों का वर्णन किया है देखने में ये बहुत अच्छी है और इनके द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा की कल्पना की जा सकती है, लेकिन वास्तविक रूप से इन नीतियों का उपयोग उस तरीके से नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न होती है विश्व की महाशक्तियों की, क्योंकि पूरी की पूरी जो सुरक्षा परिषद है वो विश्व की 5 महाशक्तियों के अंतर्गत ही चलती है और विश्व की जो महाशक्तियां हैं उनमें जो हैजमनी है, जो उनमें सर्वोच्चता का है और आपसी उनमें विवाद है, उनमें इस प्रकार की कोई भी सैनिक कार्रवाई हो या आर्थिक दंड व्यवस्था हो, सैनिक समझौता हो या सैनिक स्टाफ समिति की कार्रवाई हो, वो उस तरीके से लागू नहीं की जा सकती जिस तरीके से उसे लागू किया जाना चाहिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशांतता पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती है। धन्यवाद।